हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। और हम लोगों का चल रहा था सीबीएसई का सैंपल पेपर। और अब सीबीएसई के सैंपल पेपर में हमने वो वाले क्वेश्चंस उठाए थे जो सारे कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को करा चुका था। अब हम बात करते हैं कंपनी के क्वेश्चंस की, इशू फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर हो चाहे इशू ऑफ डिबेंचर हो, उन सारे क्वेश्चंस की सारे क्वेश्चन सॉर्ट करके मैं करवा रहा हूँ आपको। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको बता दिया था, और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, बहुत ही ध्यान से करेंगे, देखते हुए करेंगे कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। लिखा है कंपनी इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 5 लाख। तो आपको देखो क्वेश्चन के अंदर ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है, वो है 5 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, एक शेयर 10 रुपये का है, ऑफ विच 2 लाख इक्विटी शेयर वर इशूड एंड सब्सक्राइब। यानी इस 5 लाख इक्विटी शेयर्स में से कंपनी ने अभी 2 लाख के इक्विटी शेयर्स ही इशू किए और सब्सक्राइब भी हो गए। ऑल द मनी हैड बीन कॉल्ड, यानी सारे का सारा पैसा कॉल्ड किया गया, और लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसे हैं एक्सेप्ट टू। ठीक है, लिखा सारा अमाउंट कॉल्ड किया 10 रुपये में से, लेकिन 2 रुपये कॉल्ड नहीं किए, एक्सेप्ट टू लिखा हुआ, टू नॉट कॉल्ड। तो क्या लिखूं इसका मतलब, क्या हो गया 8 कॉल्ड आउट ऑफ 10, 8 रुपीज कॉल्ड है ना, विच वर डिक्लेयर्ड एज रिजर्व कैपिटल, जिसको हमने रिजर्व कैपिटल मान लिया। ऑब्वियस सी बात है, जब जरूरत पड़ेगी तब 2 रुपये भी मंगाएंगे हम। द शेयर कैपिटल रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप विल बी 0। ऑब्वियस सी बात है, जब शेयर्स में 10 रुपये का शेयर था, आपने 2 रुपये नहीं मंगाए, पूरे के पूरे शेयर्स 10 रुपये के 8 रुपये ही आपने मंगाए हैं, तो ये जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो आप शेयर को रिफ्लेक्ट करोगे, तो दो कैटेगरी होती है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के अंदर आएगा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप विल बी 0 होगा। अब रीजन दिया इन्होंने, ठीक है, ये तो था असर्शन, और रीजन क्या दिया, रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और कंपनी लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये बिल्कुल करेक्ट है, और रीजन असर्शन का ही है ये। तो आंसर क्या होना चाहिए, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो उम्मीद है सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, और अब हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे और कौन सा क्वेश्चन हमें कंपनी का दिखाई देगा। तो बढ़ते चलते हैं धीरे धीरे आगे, और जैसे कोई कंपनी का क्वेश्चन आता है तो देख लेंगे अपन। ये देखो ये वाला है कंपनी का क्वेश्चन, क्या लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो इस क्वेश्चन में एक कुछ नया सीखने को मिलेगा। रेंचो लिमिटेड एक कंपनी है, वो एसेट्स लेके चली गई, टुक ओवर एसेट्स ₹20 लाख फ्रॉम पीके लिमिटेड। तो अगर मैं बोलूँ रेंचो लिमिटेड कौन हो गया, बायर, ठीक है, पीके लिमिटेड कौन हो गया, सेलर, ठीक है। बाय पेइंग 30% थ्रू बैंक ड्राफ्ट एंड बैलेंस बाय द इशू ऑफ 100 इक्विटी शेयर ऑफ 10%। अब बोलते हैं कि ठीक है ये अगर है तो इसकी क्या करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं अपन, क्यों ना एंट्री बना लें। तो क्या बोल रहे हैं वो, 20 लाख रुपीज़ के शेयर्स अपन ने खरीदे हैं, तो कंसिडरेशन अदर देन कैश है 20 लाख रुपीज़ की, सॉरी हमने 20 लाख रुपीज़ का बिजनेस लिया है अपन ने, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। आप ये एंट्री करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 20 लाख, ठीक है। फिर आपको आगे क्या लिखा हुआ है, बाय पेइंग 30% थ्रू बैंक ड्राफ्ट एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 30% तो आपने पेमेंट कर दिया, तो 20 लाख का जरा 30% निकालें तो कितना आता है, चलो देखते हैं। 20 लाख का 30% निकालें, पोडियम पे कैलकुलेशन चलेगी, देखिएगा आप। तो 20 लाख का मैंने निकाला, देख रहे हैं आप, 20 लाख का 30%, ये आ गया 6 लाख, 6 लाख रुपीज़ आ गए यहाँ पर, जिसका अपन ने बैंक के थ्रू पेमेंट किया इसको, है ना, किसके थ्रू पेमेंट किया, बैंक के थ्रू, ठीक है जी। इसके बाद अब आगे क्या बोलते हैं, बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा है हमारे पास 14 लाख का, क्योंकि
20 लाख में से, 20 लाख में से 6 लाख रुपीज़ अगर आप पेमेंट कर रहे हो चेक के ये बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, तो बाकी कितने बचे हैं? 14 लाख। तो 14 लाख को हम डिवाइड किससे करेंगे? 14 लाख को हम डिवाइड करेंगे, 100 रुपीज़ का शेयर है, 10% प्रीमियम है, यानी 110 का। आप इसको 110 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यही होता है आपको कंसिडरेशन अगर देन कैश में। तो देखिए क्या आ रहा है इसके अंदर, 14 लाख डिवाइडेड बाय 110। तो देखिए पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है इसके अंदर, आपने देखा इसके अंदर आ रहा है 12727, है ना। तो देखो पॉइंट्स में तो कभी शेयर नहीं होते, नहीं होते ना, तो एक काम करते हैं इसको एक बार राउंड में अपन इतना मान लेते हैं, क्योंकि तो इसके बाद तो पॉइंट था ना, तो राउंड में अपन इतना मान लेते हैं इतने शेयर। तो एक बार के लिए आप इसको राउंड में कितने मानेंगे? 12727। चलिए तो इसका मतलब इक्विटी शेयर्स इसको क्या मिले हैं, यहाँ पर देखिए इक्विटी शेयर मिले हैं प्रीमियम पर, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, 12727 इंटू एक शेयर कितने का था, 100 का, है ना, एंड 12727 इंटू 10। तो यहाँ लिखेंगे आप 127200, क्योंकि पॉइंट में शेयर नहीं होते हैं इसलिए ऐसा किया मैंने, और 127270। अब हमारे पास जो भी बैलेंस बचेगा, समझ रहे हो आप मेरी बात, जो भी बैलेंस बचेगा उसको अपन ने जब बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट किया तो सारा पैसा अपन को बाकी का बैंक ड्राफ्ट के लिए लिख देना चाहिए, यानी बैंक अकाउंट के लिए लिख देना चाहिए। तो चलिए इसका बैलेंसिंग फिगर देखते हैं कि कितना आ रहा है, 20 लाख। कैलकुलेशन देखिएगा पोडियम पे, 20 लाख माइनस 127200 माइनस 127270, ये कितना आ गया, 6 लाख 30। और ये एंट्री देखो कौन से ऑप्शन से मैच खाती है, आओ देखते हैं। तो ये एंट्री खा रही है कौन से ऑप्शन से मैच, बी ऑप्शन से मैच खा रही है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, बी। उम्मीद है आप सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। और हाँ, अब है एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, CBSE के सैंपल पेपर से तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं आप लोगों को आज ये बात बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे CBSE सैंपल पेपर के बाद अपनी एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो बच्चे खरीद सकते हैं क्या चीज़, एडुका जोन के सैंपल पेपर, ठीक है। एडुका जोन के सैंपल पेपर आप खरीदें, आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं एडुका जोन के सैंपल पेपर हैं, 2024 के लिए बहुत ही बढ़िया पेपर है। CBSE बोर्ड जो सैंपल पेपर इशू कर रही है, उसके बाद जब आप अपने पेपर को कंटिन्यू करना चाहते हैं, सैंपल पेपर को एडिशनल सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एडुका जोन के सैंपल पेपर खरीदें। 10 सैंपल पेपर दे रखे हैं, इससे बेस्ट सैंपल पेपर नहीं हो सकते। तो आपको इसको परचेज करने के लिए मैं लिंक दे दूंगा आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिसमें अमेजोन का लिंक है, अमेजोन से आप परचेज कर सकते हैं उसको। क्लास 12th मैथमेटिक्स का अवेलेबल है, ठीक है, क्लास 10th और 12th दोनों में अवेलेबल है ये। तो आपको क्लास 12th का मैथमेटिक्स का मैंने आपको शो किया, और इसी तरीके से देखिए ये है आपका क्लास 12th का हिंदी का, ठीक है। ऐसे ही आपको ये देखिए क्लास 12th का इंग्लिश का, है ना, और क्लास 10th वाले बच्चे जो हैं वो भी इसको परचेज कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। और अगर साइंस के बच्चे हैं तो आप साइंस में भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, हर सब्जेक्ट में अवेलेबल है ये। और आप इसके अंदर ये देख सकते हैं कि यहाँ देखिए कि किस तरीके से आपको यहाँ पर बता रखा है कि 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर है, और इसमें CBSE का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर भी है 2023 का फुली सॉल्व, हालांकि मैंने आपको सॉल्व करवाया है वीडियो से, और आप वहाँ से भी जब आप लेंगे ये पेपर को तो वो फुली सॉल्व आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर 2024 एग्जाम इशूड बाय CBSE, और ब्रेन स्टॉर्म मैप भी है इसके अंदर, है ना।
तो जो भी आपका सीबीएसई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही बढ़िया सैंपल पेपर बनाए गए हैं, जो जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम आउट होते हैं उस तरीके के क्वेश्चन के पैटर्न पर बेस्ड होकर ये पूरे सैंपल पेपर बनाए हैं। तो मेरा आपको एक ही सजेशन है, आप अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, जल्द से जल्द जाएं और अपने सैंपल पेपर को परचेज करें, एडुका जोन के सैंपल पेपर, याद रहे नाम, एडुका जोन के सैंपल पेपर हमें जल्द से जल्द परचेज कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत नियर हैं। लिमिटेड टाइम को अवेल करें अच्छे से अच्छे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स को गेन करने के लिए, जल्द से जल्द इन सैंपल पेपर को आप परचेज कर लें। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा। तो चलिए बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, अ कंपनी फोरफिटेड 3000 शेयर ऑफ 10 each। ठीक है, कंपनी ने फोरफिट कर लिए 3000 शेयर, 10 रुपये का एक है, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, 3000 शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपये का था, ऑन विच ओनली ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹1, यानी ये शेयर प्रीमियम पर भी होंगे और एप्लीकेशन भी होगी, अलॉटमेंट भी होगी, फर्स्ट कॉल भी होगी और सेकंड कॉल भी होगी, लेकिन कितनी कॉल्स हैं पता नहीं है, तो फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। तो अब आप ये लिखा हुआ है ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज़ बीन पेड, तो यानी मान के चलो एप्लीकेशन अलॉटमेंट मैंने मान लिया, ऐसे ऐसे मन धड़क मान लिया कि अलॉटमेंट पे यूजुअली प्रीमियम होता है, तो इसने बोला कि विद प्रीमियम हमें ₹5 मिल गए, है ना, तो ₹5 पेड इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो जब प्रीमियम मिल जाता है, तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था कि जब प्रीमियम मिल जाता है तो प्रीमियम को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इग्नोर कर देते हैं। आउट ऑफ दीज फ्यू शेयर्स वर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1 per share, इनमें से कुछ शेयर्स अपन ने री इशू कर दिए डिस्काउंट ऑफ 1 per share, एंड ₹6000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ओ माई गॉड, यानी आपको 6000 कैपिटल रिजर्व के दे रखे हैं, लेकिन कितने शेयर री इशू किए ये नहीं बता रखा। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले अपन एक बार एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो मिल गया उसको अपन टू शेयर फोरफिटेड करके लिखते हैं, टू शेयर फोरफिटेड, और जो नहीं मिला, अब एप्लीकेशन के अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, क्या नहीं मिला ये बता नहीं रखा, तो इसको एक कॉमन नेम दे देते हैं, टू कॉल्स इन एरियर्स, है ना, तो कॉमन नेम दे देते हैं। अब आप ये देखें कि इसके अंदर आपके ₹10 हैं, प्रीमियम को इग्नोर कर देंगे, कॉल्स एंड एरियर के कितना अमाउंट है पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि अपन को अमाउंट कितना मिल गया। अब देखो प्रीमियम इग्नोर कर दिया है, तो आप यहाँ ₹5 नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, क्योंकि ₹5 प्रीमियम, मतलब ₹5 जो पेड अमाउंट है उसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है ₹1, उसको अपन इग्नोर कर देते हैं, तो उसको आप हटा दो, तो बाकी कितने बचे ₹6। अब इसको हम 3000 से इंटू कर सकते हैं, इंटू 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 3000, 3000 एंड 3000, तो आपने क्या चीज़ देखी, फोर फीचर की एंट्री तो हमने कर ली, 30000, ये 18000 और यहाँ 12000, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री पे अगर आप जाएं तो उन्होंने क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि इनमें से कुछ शेयर्स री इशू किए ₹1 डिस्काउंट पर, अब कितने शेयर्स री इशू किए पता नहीं, री इशू लेकिन डिस्काउंट पर है ये जरूर पता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, यही एंट्री करते हैं, बिल्कुल साहब यही करते हैं, ₹1 का डिस्काउंट है ये पता है, लेकिन ना तो ये फिगर पता है ना ये फिगर पता है ना। अब ये इन्होंने बताया है कि शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती है, ठीक है, किसकी एंट्री होती है, शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, और वो अमाउंट कितने हो रही है, 6000। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कैपिटल रिजर्व में हमने कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है, 6000, तो ये ₹6000 यहाँ लिख दिया। अब आपको देखो एक बात बताता हूँ कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए हम करते क्या है, शेयर फोर फीचर क्रेडिटेड इन फोर फीचर एंट्री लेस शेयर फोर फीचर डेबिटेड इन री इशूड एंट्री, है ना। अब आप ये देखें कि यहां पर अगर मैं बहुत बार बोलूं तो यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट कितने से हो रहा है, 4 से हो रहा है ना, 4 से हो रहा है। तो अगर अपन यहाँ पर चलते हैं 4 में से, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर इतनी जबरदस्त तरीके से उलझन है कि आप इस नॉर्मल तरीके से तो इसको नहीं निकाल सकते हो,
ठीक है बच्चों। तो अब देखो इसके अंदर क्या चीज़ करेंगे अपन, इसको इस तरीके से आप पूरी तरीके से जैसे फंस जाते हो इसके अंदर कि भाई कैसे अमाउंट करें, कोई अमाउंट तो दे नहीं रखा, तो आप पर शेयर लेते हुए चलें। अब आप देखो पर शेयर अगर मैं लेते हुए चलूँ तो अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिटेड इन फॉर फ्यूचर एंट्री कितना है, 4। 4 रुपये में से 1 रुपया आपने, देखो ये क्रेडिट में शेयर फॉर फ्यूचर है, ये डेबिट में शेयर फॉर फ्यूचर है, दोनों को माइनस करते हैं तभी तो कैपिटल रिजर्व आता है ना, शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस। तो 4 में से अगर 1 गया तो कैपिटल रिजर्व में कितना आ रहा है, कैपिटल रिजर्व में आ रहा है आपका 3 रुपये, है ना। तो इसका मतलब ये कैपिटल रिजर्व पर शेयर के ऊपर है ना। तो ये कैपिटल रिजर्व अगर आपके पर शेयर के ऊपर है तो आपको क्या काम करना है, आप जानते हो इसका मतलब, ये जो 6,000 है ये 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से है। तो अगर 6,000 रुपये हैं, अगर मैं 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 2,000। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था हाउ मेनी शेयर्स वर री इशूड, तो कितने शेयर्स री इशू किए हमने, 2,000 री इशू किए हैं। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 2,000, हमने 2,000 शेयर री इशू किए हैं 1 रुपये के हिसाब से, तो ये 2,000 का डिस्काउंट है, ठीक है, 2,000 किए हैं हमने यहाँ पर। और बाई अज्यूम आप क्या ले लो, फुली पेड अप होंगे तो 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो 2,000 × 9, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 18,000। और यहाँ कितना हो जाएगा, 2,000 × 10, ये कितना हो जाएगा, 20,000। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं, तो हमें क्या काम करना है यहाँ पर, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2,000। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को यहाँ तक के पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गए हो, अच्छे तरीके से समझ में आ गए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दो, इसी तरीके के डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए सीबीएसई के जो क्वेश्चन पेपर में अभी सॉल्व करवा रहा हूँ, आगे भी मैंने इससे पहले भी एमसीक्यूज लेकर आया हूँ, अगर अब तक आपने एमसीक्यू वाले भी क्वेश्चन नहीं देखे तो आई बटन के ऊपर मैंने उसका लिंक दे दिया, आप क्लिक कर लें एमसीक्यू सीरीज वाले क्वेश्चन को, तो फटाफट से आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि हम आने वाले टाइम पे भी, आगे आने वाले टाइम पे भी मैं नए से नए आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।